కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 హరి హరి Yeah.
Thank you.
दस विवाद होती है कुछ अनुकूलता को लेकर कुछ अनुकूल सोच को लेकर अगर हमारे दिन की जो परिचर्या शुरू हो जाती तो पूरे दिन पूरे 24 घंटों में उस बेस पर हम हमारे जीवन को ढाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो रूपानु प्रवरशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद कहते थे कि सवेरे सवेरे उठ के भगवान की चरण कमलों पर आश्रय करते हुए उनकी ध्यान करते हुए अपने मन की इंद्रियों को शांत करते हुए भगवत नाम ग्रहण करना। इति में जितने भी मनुष्य की जो इंद्रियां जो प्रतिकूल दिशाएं की ओर बढ़ रही है उसके ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं और ये नियंत्रण समस्त प्रकार से हमें मदद करेगी। किस प्रकार से नियंत्रण, जैसे कुछ काम को करने के भी प्रतिबंध भी है, हम नदी में बाढ़ आ रही है, नदी में बाढ़ को अगर बांध दिया जाए तो वो जल संरक्षित हो जाए, परंतु तब तक जब तक वो धारा उस बाढ़ के अधीन रहे
और आराम से निकलता हुए जाते रहे। परंतु अगर हम ऐसे बांध दे ताकि वो धारा निकल ना पाए, तो फिर एक ना एक वो बांध को तोड़ देता है या फिर ओवरफ्लो होकर के पूरे गांव को या शहर को डूबने में सक्षम है। इस प्रकार से हमारे जो भजन पंथा है, उस भजन पंथा में इंद्रियों से काबू पाना बहुत नित्यांत जरूरी है। अगर हम इस साधारण बात को नहीं समझ पाए हैं अभी तक, तो हमारे जीवन की भक्ति वही की वही खड़ी है। शुरुआत करते हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बात कहते थे कि हमेशा शुरुआत प्रतिकूल को त्याग करके ही कराया जाता है। बिना प्रतिकूल को त्याग किए अनुकूल ग्रहण करना एक साधारण बात है, उसका कोई फल नहीं है। रोगी बीमार है और जो बीमारी है उसको डॉक्टर ने, उसको वैद्य ने दवा दिया, दवा के साथ उसको प्रतिकूल त्याग करने की भी विधि बताया। वो दवा तो लेता है परंतु प्रतिकूलता को त्याग नहीं पाता है, और उस प्रतिकूलता के लिए ही अनुकूलता जो इफेक्टिव नहीं हो पाता है, प्रभावशाली नहीं हो पाता। इसलिए भक्ति में जो अनुकूल वस्तुएं हैं, जो अनुकूल अंग आदि है, भजन करना, कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, ये सब अनुकूल है। अनुकूलता को ग्रहण करना तो है ही, जैसे अनुकूलता 70% मनुष्य की भजन में मदद करता है, 30% प्रतिकूल त्याग भी उस अनुकूलता को पुष्ट करती है। उस अनुकूलता क्या है? भजन साधन। और प्रतिकूलता क्या है? असत्संग त्याग। अगर हम असत्संग त्याग नहीं कर रहे हैं और भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो नाम है, नाम के बल पे हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चा को तो छेड़ देते हैं, अब वो रोता है, फिर उसको फिर लाड करते हैं, तो इस प्रकार से बच्चा शांत नहीं होगा। कैसे होगा? उसको जो छेड़ना छोड़ना पड़ेगा और उसको लाड अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके बच्चा अपने बस में होता है। तो इसी प्रकार से दो प्रकार की संग, एक ग्रहण और एक त्याग, ये भक्ति जगत में नित्यांत जरूरी है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जनम। कहते हैं कि अनुकूल वस्तु जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना, आरती दर्शन करना, तुलसी परिक्रमा करना, संतों की दर्शन, संतों की सेवा इत्यादि, जो भक्ति की जो 64 अंग के माध्यम से भक्ति के जितने भी अनुकूल अंग को ग्रहण किया जाता है। अब जीव के हृदय में जो वासना है किसके लिए? भक्ति उदय करने के लिए, जो कृष्ण सेवा करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, जो ये भक्ति का पंथा है जो जीव अवलंबन करते हुए जा रहा, उसको पालन करना, पालन करते हुए जो असत्संग है, जैसे कि कुमेद्य अमेद्य इत्यादि त्याग करना, जो हम खाते हैं उसमें पारण लगाना, तो ये सब वस्तु क्या है? उस साधन प्रणाली को पुष्ट करने में सहायक है। तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जो हमारे संप्रदाय के जो श्रेष्ठ गुरु हैं और जिनके नाम की अनुगत्य से ही हम खुद को रूपानुगुणीय वैष्णव कहते हैं, तो ये जो रूप गोस्वामी महाप्रभु के जो प्रिय पार्षद हैं, महाप्रभु जब प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को दर्शन दिया, दर्शन देकर के उनके हृदय में भक्ति तत्व को संचरित किया और उनको तत्व प्रदान करके जीव को शिक्षा देने के लिए, जगत जीवों को शिक्षा के लिए उनसे ही उन्होंने उस अमृत को आस्वादन किया श्रवण के माध्यम से। एक तो अपने हरि कथा को हरि सुनकर के प्रसन्न होते हैं और दूसरे ओर जीवों को शिक्षा देते हैं कि श्रवण की कितना महिमा। एक जीव तो छोड़ो, भगवान तक भी श्रवण कर रहे हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर को नाम तत्व प्रदान किया, उन्हीं के मुखार से सुना। भक्ति की उच्च उच्च जो स्तर है, जो प्रेम की जो उच्च लक्षण है, उसको भी श्री रामानंद जी के हृदय
हृदय में संचरित करके उनसे भी श्रवण किया। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भगवान बैठ करके कथा सुनते हैं तो वहां पे हमारे जैसे जीवों की श्रवण की महिमा कितना वो है। जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम देखो, श्रीमद् भागवतम तो कितने सुना है, गोपाल ने सुना है, सुखदेव गोस्वामी ने सुना है, उद्धव जी ने सुना है, पता नहीं कितने कितने सुना है। अभी हम लोग भी कई बार पाठ करते सुनते हैं, परंतु श्रोता विशेष में ही वक्ता की जो क्या है श्रेष्ठता प्रतिपादन होता है। श्रोता यहाँ पे कौन थे, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जैसे सुनना किसी ने नहीं सुना, इसीलिए परीक्षित महाराज जी के नाम से श्रीमद् भागवतम प्रसिद्ध है। श्रोता भी तो और वक्ताओं के पास थे, परंतु उन सारे श्रोताओं के नाम क्यों नहीं आया। जैसे परीक्षित महाराज जी ने श्रवण किया, इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर अंत में चैतन्य भागवतम में श्रोताओं की वंदना करते हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने इन सारे तत्वों को जीवों को प्रदान करके उनके मुखार बिंद से श्रवण करके खुश हो रहे। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि जो अनुकूल्य का संकल्प, जो जीव जो आज भक्ति कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस सारे भक्ति की अंगों को सुष्ट रूप में पालन करने के लिए भक्तों के संग करते हुए पालन करना पड़ेगा। परंतु दूसरी ओर क्या कह रहे हैं कि प्रतिकूलस्य विवर्जनम, जैसे डॉक्टर ने परहेज दिया और परहेज के साथ अगर हम दवा को लेते हैं तो वो जैसे इफेक्टिव रहता है, ठीक उसी अनुरूप अगर हम भक्ति करते हुए जितने भी प्रतिकूल जो वस्तु है, जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत गंदा स्वभाव के है, जिसकी हृदय में भक्ति की रच मात्र भी भावना नहीं है, जिसकी हरि गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति की अगर हम संग करते हैं तो धीरे 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 हमारी हृदय में उसकी जो भावना है, उसकी जो वासना है संचरित हो जाएगा। हमने भी कई सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा जो असत्संग करते 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 हृदय क्या हो जाता है, जैसे पहले प्रारंभिक अवस्था में जैसे उसका हृदय रहता है, अब ऐसा नहीं रहता, कुछ दिन मात्र क्रम में अब क्या होने लगता है कि वो धीरे धीरे उसका मन कठोर होता जाता है। पहले अपराध के लिए डरता था, अब अपराध के लिए कोई डर नहीं है। पहले गुरु संग के लिए जो गौरव बुद्धि रखता था कि गुरुदेव बहुत दूर दूर तक रहता था, अब वैसा नहीं है, अब बड़ा मजे से मिल रहा है, हस्किल के बात कर रहा है, एक आसन पे प्रसाद पा रहा है और सामने सामने जो ग्राम्य वार्ता करना इत्यादि जितने भी जो ये जो चीजें हैं, ये क्या है, एक चित्त को जब प्रतिकूलता को ना त्यागने पर जो करते करते उस प्रतिकूलता को बार बार अभ्यास करते करते उसका हृदय कठोर हो जाता है। अब वो चाह करके भी समझ नहीं पाता कि ये सब मुझे नहीं करना, क्योंकि एक संग से संस्कार बनता है। तो वो संस्कार जब दृढ़ हो जाता है तो वही संस्कार ही हमें भक्ति के लिए मदद करता है और वही संस्कार हमें संसार में बांधने के लिए भी मदद करता है। असत्संग किया तो संसार रूपी बंधक में बंधे, और अगर असत्संग को त्याग करके सत्संग को अपनाया तो उसमें हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो रूप गोस्वामी ने यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों की बात स्पष्ट रूप में लिख रहे हैं, और वो रूप गोस्वामी जहाँ पर महाप्रभु ने समुद्र के तट पर श्री नीलांचल क्षेत्र में समुद्र के तट पर बैठ करके जो उनका अंतिम समय में महाप्रभु अंतर ध्यान से पहले कुछ समय तक उन्होंने गंभीरा में राधा जी की जो भावना है उसको उस मधुराधि मधुर आनंदमय जो उनकी हृदय को अवलंबन करते हुए जो कृष्ण लीला के उनके हृदय में स्फूर्ति हो रही थी उसको आस्वादन करके महाप्रभु आनंद में विभोर रहते थे 24x24 घंटे। और उस समय मुकुंद जैसे उनके सेवक राय रामानंद स्वरूप दामोदर इत्यादि उनके जो पार्षद वृंद है महाप्रभु के साथ नित्य निरंतर विहार करते थे। महाप्रभु कहीं सर पटक के, कहीं दीवार पे अपने शरीर को मार मार के, कहीं समुद्र में छलांग लगा करके जो कृष्ण की जो विरह की जो भावना व्यक्त कर रहे थे, वहां पे
इन सारे पार्षदों ने महाप्रभु को संभाल के महाप्रभु की यत्न किया करते थे। एक समय की बात है, समुद्र के तट पर बैठे हुए महाप्रभु कृष्ण लीला में विभोर हो रहे हैं, रो रहे हैं, यमुना जी की स्फूर्ति हो रही है। कालिंदी स्वरूपा यमुना जी जो आज महोदधि की जो नील जो संध्या के समय में जो सुबेरे के समय में जो उनके जो नील अंक को देख करके कालिंदी की स्फूर्ति होने पर वो कृष्ण लीला की उसमें मग्न हो जाते हैं। और जब जाके उनको स्फूर्ति होती है बाह्य स्फूर्ति होने पर वो कृष्ण लीला को कैसे जीव प्राप्त कर पाए उसके लिए प्रारंभिक जो पर्याय से लेकर अंत तक जो एक जीव को इस संसार को त्यागने के लिए क्या क्या वस्तु की जरूरत पड़ती है, कैसी संग करने की जरूरत होता है, इन सारे वस्तु से लेकर के रुचि भाव प्रेम से लेकर के प्रेम की भी उन्नत अवस्था जहाँ पर खत्म होती है वहां पर के उपदेश देते हैं। इसीलिए उस समय जो जितने भी पार्षद वृंद थे उनमें से जो रूप गोस्वामी थे वो भी वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने इसको अपने ग्रंथ के माध्यम से वहां पर उन्होंने नोट किया था। और यही शिक्षा है कि रूप गोस्वामी जैसे विद्वान न भूतो और न भविष्य में कभी होंगे, तो ऐसे विद्वान के हाथ में भी अगर कथा को वैष्णव के मुखारविंद से निकली हुई वाणी को अगर लिखने की आदत उन्होंने बनाते हैं तो वो खुद के लिए नहीं हमारे लिए। सुबेरे के समय आप लोग आते हैं, शाम के समय आते हैं, अगर वैष्णव की गुरु की सेवा करनी है तो एक बात हृदय पर ठान लो तो हमें उनकी वाणी को ले करके वाहक बनना है। और वाहक कैसे बनेंगे? वाहक तो तभी बनेंगे ना जब हमारे कंधे में कुछ होगा, कंधा खाली होगा तो वाहक कैसे बनेंगे? तो वाहक बनने के लिए धन होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए। अब वो वस्तु क्या है? वो वस्तु है गुरु वर्गों की वाणी। ये जो महाराज जी हमें जो वाणी दे रहे हैं क्या ये वाणी उन्हीं का है? ये वाणी चैतन्य स्फूर्ति मात्र न जो उनकी हृदय में जो आस्वादन होता है वो वाणी को एक गुरु क्यों बार बार बोलते हैं कि भाई मंगलाती में उठो भाई की ये करो, क्यों कहते हैं कि वो कहते हैं कि एक प्रेम को लेकर के मैं आया हूँ और वो मेरे हृदय तक ही रह गया है, उसको लुटाना चाहता हूँ, बाहर निकालना चाहता हूँ, पर दूं किसको? ऐसे वस्तु को धारण करने के लिए तो क्षमता चाहिए। तो बार बार इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, हमें जगाते हैं कि हम वो प्रेम धन को देना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि अगर वाहक बनना है तो प्रॉपर रूप में उसको हम नोट डाउन करें, तभी वो हमारे काम में आएगा। मैंने गुरु जी की कई सारी फोटोएं देखी है जिसमें परिक्रमा में बैठ करके गुरु जी लिखते थे, और मैंने उनकी डायरी भी देखी है कितने कितने नोट्स हुए हैं। क्यों है? क्योंकि अगर हमें सेवा करनी है तो सेवा भी कौन सी सेवा करनी है पहले उसको समझना पड़ेगा। सेवा अपने मन से नहीं होता है, सेवा सभ्य वस्तु की इच्छा के अनुरूप ही होता है। सेवक क्या चाहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, सभ्य व्यक्ति क्या चाहते हैं उसकी वैल्यू है। इसीलिए पहले समझो कि क्या चाहते हैं गुरुदेव हमसे, वैष्णव हमसे। इसीलिए रूप गोस्वामी जैसे महाप्रभु की भावना को जैसे अव्यक्त रूप में, महाप्रभु ने तो व्यक्त नहीं किया था, महाप्रभु ने तो उनको उपदेश कर रहे थे, परंतु उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखे थे, आज इसीलिए हमारे पास है। अगर उस समय वे ना लिखते तो क्या आज हमारे पास हो पाता क्या? हम ऐसी ही उन्नत जो सार को ग्रहण कर पाते हैं क्या? तो इसीलिए उन्होंने वहीं पर बैठ के लिखे। और कई बार ये हमें होता है कि इस उम्र में हम कैसे लिखे, लिखना नहीं है, कम से कम कोशिश तो करना है। उस कोशिश के माध्यम से कभी ना कभी एक बिंदु मतलब पेन भी चल जाए तब भी जानना कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। श्रवण तभी होता है जब हम मनन करते हैं। यहाँ पे श्रवण करके गए, काम धंधों में फंस गए, तो वो श्रवण क्या हो गया, वहीं से छूट के चला गया। दोबारा याद करने की कोशिश भी करो याद नहीं रहता, क्योंकि स्मरण ही नहीं है। स्मरण नहीं होगा आचरण कैसे करेंगे? एक व्यक्ति को पता है कि रास्ते की बाएं ओर जाना ही है, तो बाएं ओर जब उसने स्मरण रखेगा रास्ते में चलते चलते तभी तो बाएं तरफ जाएगा। अगर उसको स्मरण ही नहीं है कभी दाएं तरफ कभी बीच में कभी इधर से उधर उधर से इधर जा रहा, तो इसीलिए हमें सबसे पहले
क्या करना पड़ेगा, उसको स्मरण रखने के लिए उसको विधिवत लिखना पड़ेगा, उसको घर पे जाकर के मनन करना पड़ेगा, तब जाकर के आचरण संभव होगा। आचरण ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं जो हम यहाँ पे बैठ गए और घर गए तो आचरण हो जाएगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ने उनके सारे उपदेश को लिखा। वो रूप गोस्वामी जिनके ग्रंथ विश्व में जो वरिष्ठ वरिष्ठ संप्रदाय के जो उन्नत जो रस है, उन्नत रसों के भी शिरोमणि होकर के जिनके ग्रंथ विराजमान है, जिनके ग्रंथ के आस्वादक जो कृष्ण है, उनकी उनके बारे में तो क्या कहना ही क्या है, क्योंकि वो रसिक सखन है। तो वो गोस्वामी के सारे उस ग्रंथों को देख, क्योंकि वो गोस्वामी के ग्रंथ नहीं है, वो किनकी ग्रंथ है, क्योंकि वही कृष्ण तो महाप्रभु है, महाप्रभु ने जो दिया उसी को ही तो रूप गोस्वामी ने लिखा, तो इसीलिए रूप गोस्वामी की वो ग्रंथ नहीं है, वो तो महाप्रभु की ग्रंथ है, परंतु व्यक्ति अधिकारी है रूप गोस्वामी। इसीलिए रूप गोस्वामी ने बहुत टॉप टॉप लेवल की ग्रंथाएं रचना की। कल गुरुदेव बृहद भागवत अमृतम की हम लोगों को श्रवण करा रहे थे। बृहद भागवत अमृतम जैसे ग्रंथ नहीं है, अगर भागवत भी लुप्त हो जाए, बृहद भागवतम उसके एसेंस के रूप में विद्यमान होंगे, तो भी हमारी सारे भागवतम की अगर अपूर्णता कभी देखने को नहीं मिले, तो भी उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए ये बृहद भागवत अमृतम सक्षम है। जीव के अधिकार के रूप और वो जो पारलौकिक लीला में प्रवेश करने के लिए जो अनाधिकारी को भी अधिकारी बना दे, ऐसे जो कॉम्बिनेशन वाला ग्रंथ भी ये बृहद भागवत अमृतम है। इसमें लीलाएं भी है, इसमें तत्व भी है। तो इसीलिए कई ग्रंथ तो होते हैं जिसके लिए कहते हैं कि जो कुछ अंग के जिसके लिए एक बद्ध जीव की अवस्था में बद्धावस्था में जीव को पढ़ना ठीक नहीं है, परंतु कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो हमारे संबंध ज्ञान बनाने में भी सक्षम है, और संबंध ज्ञान के साथ साथ हमारे काम क्रोध इत्यादि जो अविद्या को खंडन करने के लिए भी सक्षम है। तो ऐसे ग्रंथों में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव की जो रूप गोस्वामी की जो अन्यतम शिरोमणि जो रस शिरोमणि जो ग्रंथ इत्यादि है, उनमें से भी जो अन्यतम है यह उपदेशामृत। इसमें करीब इसमें 11 श्लोक है, और जो सबसे पहला श्लोक है वो सबसे पहला श्लोक है रूप गोस्वामी शुरू से ही वो मतलब एक जो जीव है जो भजन करने के लिए आया है उसको क्या क्या करना पड़ेगा यहीं से शुरू करते हैं। धीरे धीरे जो भक्ति की जो 9 जो स्तर है जो 8 स्तर है धीरे धीरे किस प्रकार से इसको ऊपर उठा जाए, हर एक एक श्लोक में उस अधिकार को व्यक्त किया है। तो सबसे पहला श्लोक है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतद् वेगम यो विसहेत धीरः सर्वां अपिमां प्रतिबिंबस्यात्। तो सबसे पहला श्लोक क्या है, देखो यहाँ पे डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया, अब उसको पता चल गया कि बीमारी क्या है, उसने दवा भी लिख दिया, दवा की टाइमिंग भी बता दी, और इसके साथ उसने क्या बोला कि भाई अगर बुखार है तो नहाना नहीं, माथे पे पानी नहीं देना है, अगर लूज मोशन है तो गरम गरम चीजें मत खाना, ऑयली चीजें मत खाना। तो ये जो चीज है ये क्या है कि उस दवा को इफेक्टिव बनाने के लिए, पुष्ट करने के लिए, उससे मदद पाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था उसने बताया। अगर हम दोनों के एक साथ लेकर के पालन करते हैं तो वास्तव में हम रोग से मुक्त हो सकते हैं। भव रोग जैसे रोग और इस रोग की जो 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 सही अवस्था है वो क्या है, कृष्णदास। परंतु क्या अभी कृष्णदासत्व की स्फूर्ति हो रही है, जैसे एक अच्छा व्यक्ति है उसको रोग चढ़ गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोगी, बीमारी, हाँ बीमार व्यक्ति। परंतु अभी हम क्या कौन है, अभी हम बीमार व्यक्ति हैं। तो कौन सा रोग चढ़ा हुआ है, भव रोग चढ़ा हुआ है, और जब हमारे भव रोग छूट जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, जैसे एक साधारण मनुष्य हो जाता है वैसे ही हम कौन बन जाएंगे, कृष्णदास बन जाएंगे। तो कृष्णदास बनने के लिए तो रोग को छुड़ाना पड़ेगा। तो ऐसी रोग की सबसे पहले दवा की परहेज के माध्यम से रूप गोस्वामी ने दिया है।
अनुकूल्य की तो पार की बात है, अनुकूलता को ग्रहण करना, प्रतिकूलता को त्यागना। देखो कैसे बाजो बेगम, तो ये पानी के द्वारा जो बेग है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम पानी से, और सबसे पहला इसने क्यों बताया कि बाजो बेगम, इसके आगे है मनस और क्रोध बेगम, क्रोध नहीं करना, जीवा बेगम कि जीवा की जो लालसा है खाने पीने की, जो इन सारे जो बेगों को प्रभु जी ने बाद में क्यों बताया, सबसे पहले बाजो बेगम क्यों बताया। बाजो बेगम मतलब ये एक जीवा है, जीवा ऐसी एक चंचल वस्तु है, पता नहीं कब इसके माध्यम से कुछ भी बात निकल सकती है। परंतु जो सबसे बड़ा जो भक्ति में जो सबसे बड़ा जो चीज है वो क्या है, एक तो किसी जीवा के नाम से भगवत नाम लेना, और इसी जीवा के माध्यम से जो ग्राम्य वार्ते इत्यादि है उनको त्याग करना, और उससे भी जो सबसे बड़ा बात है अपराध। अपराध सबसे बड़ा इसीलिए क्योंकि हम जो है ना सबसे पहले निंदा भी करते हैं, निंदा देखना इसीलिए सबसे पहला जो अपराध में आया साधु निंदा। और हमेशा ही हमसे यही चीज होती है, ना चाहते हुए भी हवा जैसे शरीर में लगने के साथ ही साथ हम साधुओं की निंदा कर देते हैं। इसीलिए पानी की बेग सबसे सबसे तेज है, इसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया, अरे यही पानी की तो थी, द्रौपदी ने अंधा पुत्री तो बोला था, महाभारत तो हो गया। पता नहीं एक अक्षौहिणी सेना में कितने करोड़ लोग होते हैं, और उन सारे सेना के एक एक बाण से मृत्यु हो रही है। 18 दिन तक पता नहीं कितने कितने लोगों की मृत्यु हुई है। बाण की मतलब तो खेल था, क्या था वो, कुछ नहीं है। सीता जी ने केवल लक्ष्मण जी को यही बताया, लक्ष्मण जी चले गए, रावण आया, सीता गुठा के ले गया, और रावण जो इतना बड़ा युद्ध हो गया, रावण और महाभारत से ऐसे युद्ध कहीं हुआ होगा। हम चाइनीज पिक्चर में देखते हैं, हम इंग्लिश पिक्चरों में देखते हैं कितना बड़ा बड़ा युद्ध होता है। अभी भी आया था बाहुबली, कितना युद्ध हुआ उसमें दिखाते हैं, क्या वो युद्ध युद्ध है। वास्तव में युद्ध तो ये था, जो युद्ध की आधार क्या था, एक जीवा चलाना मात्र, जिसके कारण इतना बड़ा सब कुछ हो गया। जीवा के ही तो खेल है, आज जो लोग इतने जो मर मिटते हैं इसीलिए केवल जीवा के माध्यम से है। संसद में आप जाओ, संसद में जितने भी लोग बैठते हैं बहस होती है, किसी ने किसको कुछ बोल दिया, बाहर आके न्यूज में रिपोर्ट करते हैं, न्यूज वालों ने उसको क्या करते हैं, देखो इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसे बोला, कोई व्यक्ति फंस जाता है जीवा के माध्यम से। तो जीवा ही एक ऐसा है जो कि सबसे पहले एक भक्ति साधक को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाता है तो वो वैष्णव अपराध से बच नहीं सकता। अगर वैष्णव अपराध हो गया, क्योंकि हम निंदा करेंगे ज्यादा करके, हम हाथ उठाते नहीं है, मन से तो सोचते हैं परंतु हाथ नहीं उठाते हैं। कलयुग में मन से सोचना कि इतना वैल्यू नहीं है, परंतु फिर भी अगर वैष्णव है, अगर मन से द्वेष हो गया तो भी रक्षा नहीं है। इतना बड़ा अपराध हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता, भगवान क्या करते हैं, तुरंत उसके भाव विलुप्त कर देते हैं। अब जो मान लीजिए मैं हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, कल को अगर मैं पागल बन गया, क्या मैं भक्ति कर पाऊंगा, मैं जाके कहीं सड़क पर कैसा कैसा अवस्था में पड़ा रहूंगा, तो आप लोगों को देख के तरस होगा या नहीं होगा। कहा तो अच्छा खासा मंदिर में था, मंदिर में सेवा कर रहा था, है ना, उसके बाद इसका देखो कैसा वो हो गया। इसको कहते हैं भाव विलुप्त होना। अगर मेरा वो भाव नहीं है कि मैं महाराज जी के शिष्य हूँ, सेवक हूँ, तो फिर मैं कैसे उनकी सेवा कर पाऊँ। अगर सेवा नहीं कर पाया तो मेरा जीवन चला गया। हम कभी भक्ति नहीं करते हैं, परंतु हमें तसल्ली है कि हम भक्ति कर पाएंगे, है ना, कर पाएंगे, परंतु अभी नहीं कर पा रहे, परंतु पता है कि भक्ति नामक चीज है और करना चाहिए और हम करेंगे। ये एक स्वस्थ मस्तिष्क की बात है, परंतु अगर एक पागल बन जाए तो पागल कभी ये कह पाएगा, चलो मान लो आज नहीं हो पाए तो कल कर देंगे, आज सुना मना नहीं कर पाए तो कल कर दूंगा, कह पाएगा क्या। तो पागल मतलब उसका दिमाग बिगड़ गया। द्विविध बानर था जो राम जी की परम भक्त था, और उस बानर की केवल गुरु जी के चरण में अपराध हो गया, लक्ष्मण जी के साथ द्वेष कर लिया, अगले जन्म में कहां तो प्रेम की अवस्था में प्रभु राम जी की जो प्रेम में सेवा कर रहे थे, अब वही बानर आज आकर के द्वापर युग में भगवान के साथ युद्ध करने के लिए हर क्षण उसके मन में द्वेष है। कारण क्या है, अपराध है।
मन में सोचना और उसको कार्य करना जीवा के माध्यम से और फिर हाथ के माध्यम से। इसीलिए सबसे पहले ये जीवा की जो अधीन के लिए होने के लिए बोला गया। तो अगर हम जीवा की कंट्रोल कर लेते हैं जीवा को, तो और जो बाकी जो इंद्रियां हैं, क्योंकि जीवा कंट्रोल कर लिया, वैष्णव निंदा से बच गए, वैष्णव अपराध से बच गए, अब जो नाम होगा ये नाम अब कौन सा नाम होगा? निंदा विहीन नाम होगा। निंदा युक्त नाम क्या है? भगवान को कड़वा जो विष के समान लगता है, निंदा युक्त नाम। इसीलिए हमेशा इसको त्यागो। क्या जाता है? जीव मिला नाम लेने के लिए, जीव मिला मनुष्य की गुणगान करने के लिए नहीं, जीव मिला परनिंदा परचर्या के लिए नहीं, किसके लिए मिला है? भगवान के चर्चा के लिए, भक्तों के चर्चा के लिए। तो वो करो ना। तो ये है जीवा की बैग। तो आगे की जो बैग है, जो और बाकी सारे जिसको एक साधक को ग्रहण करना अनिवार्य है, वो सब धीरे धीरे उपदेश अमृत में बड़ा ही उसमें, जो हमारे राधा रमन गोस्वामी उसके ऊपर टीकाएं लिखी, उसमें सरस्वती प्रभुपाद जी ने टीकाएं लिखी, तो बहुत कुछ है उसमें। जैसे उन्होंने एक भगवान को प्राप्त करने के जो अखिल जो सिंधु है, उस सारे सिंधु को एक गागर में सागर को भरने की जो समान की कार्य किया इन उपदेश अमृत की, इन उपदेशों के माध्यम से। तो कल से हम महाराज जी को मुखार से इसको क्रमगत श्रवण करेंगे और पालन करने के लिए भी कोशिश करेंगे। मैंने चतुर्मास के पहले से ही आप लोगों को सतर्क किया था कि चतुर्मास में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, शयन हो जाता है, तो भगवान विष्णु को कीर्तन बहुत प्यारा। जैसे किसी ने सो जाया हो, उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? जगाना पड़ता है। तो भगवान कैसे जागते हैं? क्या इधर उधर की बात करके? भगवान के कीर्तन के माध्यम से। और कीर्तन शुद्ध रूप कैसे होगा? जैसे इंद्रिय साथ देंगे, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सोएंगे, और हमें उठाने के लिए लोग चाहिए होगा, हम भगवान को उठाने के लिए दूर की बात है ना। तो इसीलिए इन चातुर महीना में जो हो गया सो हो गया, कम से कम कोशिश करो। कितने प्रकार के फल है, सब्जी है, बनाओ, चतुर्मास पालन करो, देख लो सामने बराबर में जैनी लोग ने कैसे कैसे कठोर साधन कर रहे हैं, क्या हम उनके अनुरूप कर पा रहे हैं क्या? अरे हमारे सारे साधन कृष्ण संबंध में है, कृष्ण को करके करो, अच्छा करो ना, अच्छा उनके लिए पनीर बनाओ और खुद खाओ, प्रसाद ही तो है, महाप्रसाद के मंत्र पढ़ो, उसमें जीवा की लालसा भी खत्म हो जाएगी। परंतु करते करते विश्वास रखो, चतुर महीना अवश्य पालन करो, वांछा कर चतुर्मास कृपा ए हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे Yeah.
जय पढ़े नहीं आप किसी उपदेश याद है क्या क्या याद पूरा चल थोड़ी देर चले जाए।